गुड मॉर्निंग। लास्ट डे आम डिस्कशन करथिले रस्ट मॉडल। ओके, इन द सेम लाइन आज आम डिस्कशन करबा भोन थोनेन्स थ्योरी। आ जो भोन थोनेन्स थ्योरी अछि ई थ्योरीटा रिलेटेड विथ एग्रीकल्चरल लोकेशन। ओके, रिलेटेड विथ एग्रीकल्चरल लोकेशन। एग्रीकल्चरल लोकेशन, एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी ऑफ भोन थोनेन आपण इंटर कही पारे। ओके अच्छा, ये जो भोन थोनेन यहाँ पूरा ना हो जे जोहानिस हेनरिक भोन थोनेन, आपण ताको पूरा नाटा लिखि दे थाउ। ये हो चलते जोहानिस हेनरिक भोन थोनेन। ओके, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା ହଉଛି ଏୟା। ଆଉ ଇ ଜନ୍ ଥୋନେନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଜର୍ମାନୀର, ଇଏ ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରମ 17 ୟାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ ହେଲା 83 ଟୁ 1850। 1783 ରୁ 1850 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ। ଆଉ ଜୋହାନେସ୍ ହେନ୍ରିକ୍ ଭନ୍ ଥୋନେନ୍, ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଜେ ଏସ୍ ଭନ୍ ଥୋନେନ୍, ଓକେ, ଲାଇଫ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ। ବନ୍ ଥୋନେନ୍ସ ଯଦି କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲୋକେସନ ଥିଓରିଟା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ, ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ପାର୍ସିଆଲି ଯଦି କହିବେ ପାର୍ଟଲି ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଦାମ ସ୍ମିଥ ହେଲେ, ओके आदम स्मिथ कहतु, अल्बर्ट थायर कहतु, अल्बर्ट थायर ये मानकर एक्सपीरियंस बा जदि कहबा ए मानकर जो जदि इकोनॉमिक्स मानकर स्टडीज विशेष के आदम स्मिथ। ओके, आदम स्मिथ को आउ अल्बर्ट थायर को स्टडीज आउ कौन आउ का ऊपर दिस एंड हिज एक्सपीरियंस ऑन ओनिंग एंड रनिंग हिज ओन लैंडेड स्टेक at Talo near Rostock in okay 1910 okay ne, sorry 1810 ru ba 1810 ru jodi kahibe sie jo manage kortile till his death takor sie jo land own kortile owner land owner thile ba takor jo land estate thila se the sie agriculture court practice kortile sie experience ta kun hegi his own experience। okay, ओन एक्सपीरियंस ताकू नहीं के ई थ्योरी टा सी दे थिले। आउ ई थ्योरी टा जदी कहिबे सी या पर मेन मोटिव टा थिला। ओके, सी इतरे एक्सप्लेन करिया को चाहिदले टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट वुड बी बेस्ट कैरीड आउट एट ए गिवन लोकेशन। ओके, माने जदी कहिबा डिजाइन टू दिस थ्योरी इज डिजाइन टू ओके डिजाइन टू कौन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके, टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट कुड बी बेस्ट कैरिड आउट वुड वुड लिख लो वुड बी बेस्ट कैरिड आउट at a given location, given location। okay, what a location re ko prakar agricultural production best kara jay parbo ta upre e theory ta best। okay, this theory is based upon this strategy। okay, this means kon kaiba dabo। ओके ठीक अच्छे मु ऑलरेडी कोई सर जी तको एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट कुड बी बेस्ट carried out at a given okay at a given location। what a location re kemti bhabre best bhabre koribo ta upre eta best hichi to ame theory ta ko padiba eta intro part re samaste add koribe a question ro। okay, jodi bhol torrents theory of agricultural location ase add koribe se ta ko pura na likhibe se ko tikar likhibe ta ko theory ta kaha upre best kori ki hichi mane ta ko nija source experience or other studies of other economists e kotha ta likhibe aur mainly aim ko pai hichi ko design माने से कोथि पई से ए थ्योरी टा आसले बा ए थ्योरी टा कोन एक्सप्लेन करू छे एटा को इंट्रोडक्शन पार्ट रे आपन लिखिबे। ओके अच्छा, एटा हला थ्योरी। तो ए थ्योरी रे आमे कोन कोन सब पढिबा ताकु के देखिबा। ओके, फर्स्ट देखिबा जे थ्योरी रे आपन को आंसर स्ट्रक्चर रे सब कोन कोन हि परबो। फर्स्ट लिखिबे एम,
एम ऑफ दिस थ्योरी ओके एम एम देखिबे तापर लिखिबे अज्यूम्पशन ओके एम लिखिबे तापर अज्यूम्पशन लिखिबे तापर प्रिंसिपल्स लिखिबे ओके प्रिंसिपल्स लिखिबे को प्रिंसिपल आधार रे थ्योरी डा हिचे ताकु एक्सप्लेन करिबे ओके डिफरेंट मॉडल्स ये जो देखते से मॉडल गुडा सब एक्सप्लेन करिबे विथ डायग्राम तापर देखिबा हमें जदि कहिबा मॉडिफाइंग फैक्टर कोन कोन सब रहउछि ओके मॉडिफाइंग फैक्टर्स ऑफ दिस थ्योरी पांच तो बड़े नुवा सी जो सर्कमस्टेंसेस पे कर थिले और जो सब चेंजेस है गला तापरे डिफरेंट सब आसी थिले जो मने मॉडिफाई कर छ थ्योरी टाको ओके से गुडा सब देखिबा तापरे एप्लीकेबिलिटी देखिबा बट रिलेवेंस जोटो को हम रिलेवेंस बोले कहते ताको हम देखबा मु भाबु छ एति की सफिशिएंट होय क्वेश्चन रो आंसर ओके 60 मार्क रो क्वेश्चन हो पारे 60 मार्क रो निश्चित होबे क्वेश्चन दा होबो अच्छा तो फर्स्ट हम देखबा एम ओके एम दा कोन देखबा द मेन एम ऑफ मोहन टोनेट्स एनालिसिस वाज टू शो हाउ एंड व्हाई एग्रीकल्चरल लैंड यूज वैरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट ओके एम लिखि दउ छी मु ओके फर्स्ट एम एम टा जदि कहबा 200 लिखि दउ छी लिखो दउ 200 हाउ एंड व्हाई एग्रीकल्चरल लैंड यूज एग्रीकल्चरल लैंड यूज वैरीज विद डिस्टेंस वैरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट ओके मार्केट रो जतकी डिस्टेंस बॉडी बॉडी जाय एग्रीकल्चरल लैंड यूज केमिते चेंज हे चले सिगडा को सी एनालाइज करछो ओके बा ए थ्योरी रो मेन एम ता हो छे एया टू शो हाउ केमिते ओके आउ व्हाई ओके कोन पॉइंट एग्रीकल्चरल लैंड यूज वैरीज जो एग्रीकल्चरल लैंड यूज हो छे सेटा वैरी करे विथ डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट मार्केट सो द डिस्टेंस बॉडी लेवल को किबा कमी लेवल को केमिति आउ काही कि सेटा वेरी करे हमको सेटा को माने कोन ए थ्योरी रो मेन एम ता होची सेया ताको ही एक्सप्लेन करा दे छे ओके आउ इति पे से दुईटा बेसिक मॉडल से ले छथि ओके टू बेसिक ओके मॉडल से ले छथि मॉडल माने एटा जेहेतु से स्मिथ करो आ आमे जो कहिले ओके याको इकोनॉमिस्ट मान करो जो को कहबा ताको स्टडी को नै कि से एराकु करिसथि तो सेही समय रे गोटे थला इकोनॉमिक्स रे मॉडल क्रिएशन ओके जो मॉडल क्रिएशन पोरि कि ही करा होतला जे अज्यूम करा होतला जदि एमते सिचुएशन हला कोन होय सेति पे ये भी सेमते दीटा मॉडल को अज्यूम करछथि ओके कोन सेटा जदि कहबा जदि मॉडल 1 ओके मॉडल 1 कोन कहला ई जो मॉडल 1 डा एथिरे जदि कहिबे मॉडल 1 डा कोन अज्यूम करछन्थि द इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप डिक्लाइंस विथ डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट याकु अज्यूम करा है छे ओके मॉडल 1 रो अज्यूम्पशन तक लिख दबो द इंटेंसिटी ओके द इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप intensity of production of a particular crop declines with distance from the market from the market okay intensity of production of a particular crop intensity of production crop what is intensity of production intensity of production means it is a measures of amount of inputs per unit area of land माने गोटे यूनिट एरिया ऑफ लैंड रे केते इनपुट अपन दउ छथि ओके अमाउंट ऑफ इनपुट पर जदि कहबा यूनिट एरिया ऑफ लैंड ओके इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन कोन लिख दियो तो इट इज अमाउंट ऑफ इनपुट्स अमाउंट ऑफ इनपुट्स amount of inputs okay amount of inputs per unit area of land per unit area of land
ओके पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड अमाउंट ऑफ इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड ओके गोटे यूनिट ऑफ लैंड रे मींस मन कर गोटे हेक्टर हे पारे गोटे एकर हे पारे सेतरे आप केते इनपुट दोछके ताकू को है इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ओके ताकू इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन बोले को है ठीक है तो याकू माने यदि कहबा केमिक मॉडल 1 रे ई कथाटा एनालाइज करा है जे इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप डिक्लाइंस से कहले जे गोटे क्रॉप रो इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ता सेटा कोन हुए विथ डिस्टेंस मार्केट रु डिस्टेंस को लेके सेटा डिक्लाइन करके जाए ओके अच्छा इनपुट गुडा सब कोन कोन गोटे क्वेश्चन ता आस्तुबो जे अमाउंट ऑफ इनपुट्स हमें कहले व्हाट आर इनपुट्स इनपुट्स आर जदी कहबे मनी लेबर फर्टिलाइजर इरिगेशन ओके तापर पेस्टिसाइड्स ला डिफरेंट मेकानाइजेशन टेक्निक ला ई गुडा हला सब जदी कहबा हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन इटा मॉडल 1 ए इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन आधार पे ताको स्टडी करा है तापर हला मॉडल 2 ओके मॉडल 2 रे कोन कहला मॉडल 2 हला द टाइप ऑफ लैंड यूज वैराइज विद द डिस्टेंस ऑफ मार्केट ओ द टाइप ऑफ लैंड यूज ओके द टाइप ऑफ लैंड यूज वैराइज विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट ओके द टाइप ऑफ लैंड यूज वैराइज विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट इट्स अ लैंड यूज टा ओके लैंड यूज माने माने को लैंड टा केमती भाबरे यूज करछते ओके ताको कल्टीवेशन पे यूज करा होची किबा अपन को अदर एक्टिविटीज पे यूज करा होची एठी विशेष की जेहेतु एटा एग्रीकल्चरल मॉडल टा एठी एया कथा करा हेचे कि अपन मिल्क प्रोडक्शन पे करछते किबा अपन को कॉटन प्रोडक्शन पे करछते किबा अपन को व्हीट प्रोडक्शन पे करछते ए सेंस रे यूज हेचे जे याको कहबा कथा ला द टाइप ऑफ लैंड यूज वैराइज विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट खाली इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन वैराइज करे नै आउ कोन करे टाइप्स ऑफ लैंड यूज भी वैरी करे ओके ए डेटा मॉडल आधार रे आमे स्टडी करबा ए आधार रे से स्टडी करछो भी माने फर्स्ट मॉडल रे इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन को नै छबे सेकंड मॉडल रे से लैंड यूज को नै छबे ओके अच्छा ये तो बोला एम आउ से को मॉडल यूज करछो ते तब देखबा कोन कोन से अज्यूम करछो ओके कंप्लीट इरेज कर दो छी याको अज्यूम्स ओके कोन कोन अज्यूम्सन से करछो ठीक अछि अज्यूम्सन कोन से करछो विशेष की जो ए समय रे विशेष की माने ताकर जदी हमें टाइम पीरियड टाइम सब देखले जे सी 1783 टू 1850 ए समय रे जदी कहबे से समय रे गाड़ी मोटर इत्यादि सब नतिला ओके तो ए समय रो से पैरामीटर किबा एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन भी विशेष नतिला मेनली लेबर इंटेंसिव थिला तो ए सी समय रो हिसाब रे से सब अज्यूम्सन उडा सब ले छथि टोटल इन टोटल से 10 अज्यूम ले छथि बा माने गोटे मॉडल ते तैयार छथि से मॉडल रे एमिति भाव रे हेथिबो ए कथाटा से अज्यूम करा है ओके कोन कोन सेटा से कह जदे एट द सेंट फर्स्ट जदि कहबा मु हाफ लिखि भी बाकी उडा को सब रीडिंग करू छ ओके अपन माने निजे रीडिंग मु जो सब रीडिंग करू छ तको रीड करके भी देखि परबा और लिखि परबा कोन एट द सेंटर ऑफ द एग्रीकल्चरल रीजन इज ए आइस इज ए सिंगल आइसोलेटेड मार्केट टाउन ओके सिंगल आइसोलेटेड मार्केट टाउन गोटे एग्रीकल्चरल रीजन रे ओके कोन हे छि ए सिंगल isolated market town ache okay market town ache okay gote agricultural region re gote single isolated kon ache market town ache kebol gote hi market ache mane for example mu ate draw karu se diagram ta okay assume that it is a agricultural region okay eta hochi gote agricultural region au itre gote center re gote kon ache सिंगल आइसोलेटेड मार्केट इटा होची एग्रीकल्चरल रीजन इथरे इटा होची गोटे मार्केट अछि ओके गोटे सेटा आइसोलेटेड मींस ई मार्केट अन्य मार्केट सहित कनेक्टिविटी नाही यार आइसोलेटेड मार्केट अछि ओके अच्छा आउ कोन हिची जदी कहबे मूवमेंट इज ओनली टू एंड फ्रॉम दिस वन प्लेस अच्छा आउ इथरे कोन हिची पॉपुलेशन मानकर मूवमेंट केवल पॉपुलेशन वन पर मूवमेंट
मार्केट आड़क ओके केवल आईदर मार्केट रु एग्रीकल्चरल रीजन आड़क ना एग्रीकल्चरल रीजन रु मार्केट आड़क अदर्स आड़क नुह केवल एतिक ही अच्छे ओके लोक मानकर भी अच्छे जे अर्बन पीपुल अच्छे आउ कल्टिवेटर बा फार्मर्स मान सब अच्छा ओके एग्रीकल्चरल रीजन रे फार्मर मान अच्छा मार्केट रे सब अर्बन पॉपुलेशन सब अच्छा रूरल फार्मर आउ अर्बन पॉपुलेशन सब अच्छा ए कथा को आइज माने फर्स्ट अजम्पशन ए सिंगल आइसोलेटेड मार्केट सेकंड अजम्पशन कोन कहला द एग्रीकल्चरल एरिया इज ए होमोजेनियस वन ओके होमोजेनियस एग्रीकल्चरल एरिया ओके होमोजेनियस एग्रीकल्चरल एरिया द एग्रीकल्चरल इज अ होमोजेनियस वन व्हाट होमोजेनियस वन माने को ए यूनिफॉर्म प्लेन हैविंग इक्वल फर्टिलिटी ऑल इट्स पार्ट माने ए जो एग्रीकल्चरल रीजन सारी एड समान प्रकार फर्टिलिटी अछि ओके आओ ना हिल अछि ना वैली अछि ना सरफेस रे कोनो चेंजेस अछि ना क्लाइमेटिक वेरिएशन अछि मींस नो वेरिएशन इन एनी इन ए सिंगल एस्पेक्ट ओके कोनो सिंगल एस्पेक्ट रे भी वेरिएशन नै माने आपनकर प्लेन कंप्लीट सब जगह रे फर्टिलिटी समान अछि से एरिया रे कोनो हिल नै किबा वैली नै ओके किमा कोनो क्लाइमेटिक वेरिएशन नै माने होमोजेनियस वन एग्रीकल्चरल एरिया दा ओके होमोजेनियस एक कथा से अज्यूम कर जाने थर्ड अज्यूम्पशन जदी कहबा सिटी इज द सोल मार्केट फॉर प्रोड्यूस ऑफ द एग्रीकल्चरल ओके सिटी इज द ए जो सिटी दा मार्केट कहले हमें सिटी इज द सोल मार्केट गोटे ही मार्केट सेटा ओके सोल मार्केट फॉर द प्रोड्यूस ऑफ द एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरल एरिया रे जो प्रोडक्शन दा होबो तार सेलिंग पाई सिटी ही केवल गोटे ही एरिया ओके आउ कोन द एग्रीकल्चरल एरिया इज सोल सप्लायर टू द सिटी ओके आउ कोन हे छि ए जो एग्रीकल्चरल एरिया दा सेटा होछि सोल सप्लायर बा सिंगल सप्लायर टू द सिटी अदर्स एरिया रो सिटी को कोनसी प्रकार सप्लाई आसु नै एट द सिटी ऑल फार्मर्स रिसीव द सेम पीस ऑफ सेम प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप एट एनी वन टाइम ओके माने आपनकर प्रोडक्शन रो रेट ओके बा प्रोडक्ट रो रेट समस्त सब फार्मर्स मान को पाई समान तार कोनसी वेरिएशन होबो नहीं बा सिंगल प्राइस पाबे ओके गोटे मार्केट और सेम प्राइस ओके सोल मार्केट एंड सेम प्राइस ओके गोटे प्रोडक्शन पाई यूनिफॉर्म प्राइस अछि अच्छा फोर्थ अजम्पशन हला देयर वाज ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके वन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैं जदि कहिबा हमें से समय रे से जहाज आइदर हॉर्स और कार्ट ओके घोड़ा नहले आपनकर सगड़ ए दीटा ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ता छोड़ा आउटे कोन फिफ्थ अजम्पशन थिला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर सेम एवरीवेयर इन एवरी डायरेक्शन ओके सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी समान ओके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वी हैव द सेम एवरीवेयर इन एवरी डायरेक्शन अपन जो डायरेक्शन रो भी आसो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपन को समान रहइबो ओके अच्छा एक कथाटा गोटे अजम्पशन तपर आसीबो सिक्स्थ अजम्पशन कहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ओके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओके निश्चिंत हबरे ओके आपनकर जदि सेम रहूची कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ता विथ डिस्टेंस बढी जीवो ओके डिस्टेंस कमिले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कमि जीवो डिस्टेंस मींस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेम मींस फॉर 1 किलोमीटर मे बी से 200 रुपीस ओके 1 किलोमीटर पे 200 इटा होची यूनिफॉर्म थ्रू आउट सब एरिया रो कोन पे ना सेम गोटे जदि कहबा वन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल ओके ताहले कोन हबो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विथ इंक्रीज विथ डिस्टेंस निश्चित आबर जदी 1 किलोमीटर जाउ छथि अपन को 200 पडुची जदी अपन 2 किलोमीटर जिबे सेटा 400 इज बको पहिना सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ डिस्टेंस ओके अच्छा आउ कोन सेवेंथ अजम्पशन कोन कहला लेबर कॉस्ट आर इक्वल एवरीवेयर लेबर कॉस्ट सबुटी समान
माने जदि कहबा आमे नो कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल वुड बी ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंपटीशन फॉर एम्प्लॉयर आपन पर जदि अधिका एम्प्लॉयर्स भी हे गेले ताहले भी सेति पे आपन ट्रांसपोर्टेशन सॉरी लेबर कॉस्ट बडी बनाय लेबर मानकर में जदि कहबे ओके माने लेबर मानकर कॉस्ट रे बा लेबर मानकर जो कहबा आमे वेजेस रे कोनसी वेरिएशन नाही ओके आउ कोन विद इन दिस रीजन आउ गोटे कोन अजम्पशन कहला स्टैटिक इकोनॉमी ओके कोन हैला विद इन दिस रीजन देयर एग्जिस्टेड अ स्टैटिक इकोनॉमी द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद नो लॉन्ग रेंज ट्रेड ट्रेंड लीडिंग इनवेटेबली टू लोअर और हायर प्राइसेस ओके सिमते कोनसी नाही जे अपन को प्राइस वेरिएबिलिटी हो माने इन्फ्लेशन होबो ना डिफ्लेशन होबो सिमते कोनसी प्रकार जिंस होबो ने इकोनॉमी गोटे स्टैटिक कंडीशन रे अछि ओके आ गोटे हला कोन अजम्पशन 9 हला मार्केट प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी वाज फिक्स्ड फॉर एनी सिंगल फार्मर and that farmer could not combine or form cooperatives in order to manipulate the market by holding back crops to raise prices okay konosi cooperative rahibo nai farmer mankor konosi union rahibo nai je jodi pai ki price re konosi manipulation hobo nai मार्केट प्राइस समान रहइबो कोन पेना जदि फार्मर पने कोऑपरेटिव करछते से माने होल्डिंग कर दोछते क्रॉप गुडा को ओके ताले रेट वेरिएशन हिजो आबे या पूर्वरु 0.8 रे कहिले जे स्टैटिक इकोनॉमी सेतरे कोन से हम इन्फ्लेशन नाही कि मा डिफ्लेशन नाही ओके मोटे स्टैटिक इकोनॉमी तो सेई केसटा को देखले हमें जदि कहबा फार्मर मानकर प्राइस मैनिपुलेशन करबार भी नाही नो प्राइस मैनिपुलेशन हमें एमति भाव रे लिखि परबा नो प्राइस manipulation no price manipulation nahi 10 assumption kahiba all farmers act as economic men this jodi kahiba acha lekhi deba ta all farmers act as economic men okay all farmer economic men bhabre kaam karan ya manne ko this means that aim to maximize their profit okay and have full knowledge of need of market farmer mane sabu bela profit ko maximum kariba ko chahibe au kon hebe se mankor market ro need upre full knowledge rahibo okay माने जदि कहबा जति पई कि कहै छै ऑल फार्मर्स एक्ट एज इकोनॉमिक इकोनॉमिक मैन कोन चाहे से चाहे सब बेले प्रॉफिट टा को मैक्सिमाइज करबा को आ मार्केट रो ओपन डाउन विषय रे तार नॉलेज था ओके अच्छा ये तो आज ही पे गुडा नै गेले किंतु तोनन ए कहिले से ए कथाटा भी कहै छथि ए जो फैक्टर गुडा को सब कांस्टेंट रखा छै ए गुडा एक्चुअली कांस्टेंट नो ए गुडा वेरिएबल ओके किंतु मॉडल टाको से जेहेतु लेइ छथि से पई टाको से कोन गोटे पता अजम्पशन किछ कांस्टेंट अजम्पशन से करि छथि ओके से एई कथा माने जदि कहिबे से कहितले ओके ठीक अछि आमे अजम्पशन गुडा एतके दरकार तापर एबे एक्सपांड करबा जे से थ्योरी टाको प्रिंसिपल टा सब कोन ओके को प्रिंसिपल उपरे सेटा हे छि एबे देखला प्रिंसिपल्स ए गला अजम्पशंस तापर देखला प्रिंसिपल्स ओके प्रिंसिपल्स माने को आधार रे ओके बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइन द बोन थोनेट्स थ्योरीज इकोनॉमिक रेंट ओके इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक इट इकोनॉमिक रेंट ऊपर आधारित ओके यार प्रिंसिपल हला इकोनॉमिक रेंट हो इटा को लेटर केस रे जो लेटर जियोग्राफर को तो दिवा इकोनॉमिक्स माने असले ए माने सब कोन गले इटा को इकोनॉमिक रेंट टा को ए माने लोकेशनल रेंट कर देले ओके तार नाटा को नोमेनक्लेचर चेंज कर ले सेटा को लोकेशनल रेंट बोले कहा गला ओके अच्छा एटा को ओके ई यदि कहबा ओके इकोनॉमिक रेंट टा को ओके इकोनॉमिक रेंट टा देखवा ओके अच्छा ठीक अच्छा
ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଆଉ କେତେଟା ବି ଜିନିଷ ନେଲେ ଓକେ ଯଦି କହିବେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ ଓକେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବା ନେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଓକେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ହବ ଯଦି କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ହବ ଏଇ କଥାଟା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଦୁଇଟା ରିଲେସନସିପ୍ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ସେ କହିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ରିଲେସନସିପ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଆମର ରିଲେସନସିପ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇକୋନୋମିକ ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ଓକେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍ ରିସିଭ୍ଡ ବାଇ ଦ ଫାର୍ମର ପ୍ରାଇସ୍ ରିସିଭ୍ଡ ବାଇ ଦ ଫାର୍ମର ଓକେ ଗୋଟେ ହେଲା ମାର୍କେଟରୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଫାର୍ମଟା ଅଛି ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ସିଏ ପାଉଛି ଓକେ ଆଉ ଏଇ ଯଦି କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ୱାନ୍ ଓକେ ଯଦି କହିବା ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫାର୍ମର ନେ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ଫାର୍ମର ଅବଟେନ୍ ଫର୍ ଏନି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ମାଇନସ୍ ଦ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ଫାର୍ମର ଅବଟେନ୍ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ଫାର୍ମର ଅବଟେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ଫାର୍ମର ଅବଟେନ୍ ଫର୍ ଏନି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ ଏନି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ଓକେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ରୁ ସିଏ ଯେତିକି ପାଏ ମାନେ ଯେମିତି ପର୍ କେଜିରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ପାଉଛି କିମ୍ବା ପର୍ କେଜି କେତେ ପାଉଛି ଓକେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ପାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଇଟା କାହା ସହିତ ଇଟ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଓକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ମାଇନସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ଓକେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ମାନେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଯୋଉଟା ମିଳେ ସେଇଟା ଫାର୍ମର୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଓକେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମର୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ରେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ଓକେ ଇକୋନୋମିକ ରେଣ୍ଟ ବା ଯଦି କହିବା ଲୋକେସନ ର ଡେଫିନେସନ ଏଇଟାକୁ ବି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଦ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଦ ମେଜର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ at large would expect a particular piece of land to produce piece of land to produce ଯଦି କହିବା ଇଟ୍ ବେସିକାଲି ଏ ମେଜର ଅଫ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ଅନଦର ଓକେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରିବା ତାହେଲେ ଠିକସେ ବୁଝିହବ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଜଷ୍ଟ ଓକେ ତ ଇକୋନୋମିକ ରେଟ୍ ଅର୍ ଲୋକେସନାଲ ରେଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ ଯଦି କହିବା ଦ ମେଜର୍ସ ଅଫ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାର୍କେଟ ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଓକେ ଯଦି କହିବା ମାର୍କେଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ରେଟ୍
ओके लोकेशनल रेंट भी इया पई को हला जे अब इटा एक्चुअली को होले गोटे पर यूनिट प्रोडक्ट गोटे लैंड एरिया रो जो प्राइस टा पर जेटा को प्राइस एंड द मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस जब कि से मार्केट रे बिकी की पाइला से थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टा को जदि माइनस कर देला ओके से थ्रू जोटा हला सेटा हला अमर जदि कहबा गोटे प्रकार से जो यूनिट लैंड रो सेटा होस रेंटिंग ओके लोकेशनल रेट बोली पाजे हम आउट के फर्दर एलाबोरेट करबा ताकरु जस्ट गोटे ग्राफ को हम बुझि जेबा सेटा बेटर हो तापर फार्मूला टार बुझबा ओके अच्छा गोटे ग्राफ जोटा भोन थोनेन सेटा देथिले ओके सी एमटी गोटे नेथिले दीटा एक्सिस ये होचे एक्स एक्सिस ये होचे वाई एक्सिस ओके एक्स एक्सिस रे सी नेले डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट ओके मन करे ये होचे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर किलोमीटर रे ओके आउ कोन लोकेशनल रेंट एथरे से एमएल लोकेशनल रेंट ओके लोकेशनल रेंट कहले एक्चुअली मार्केट गोटे प्रोडक्ट रो गोटे एरिया रो लोकेशन रो केते एक्सपेक्ट करे सेटा होचे लोकेशनल रेंट ओके आमे विथ फार्मूला ताको पढिबा किंतु आगो ठीक बुझिबा सेटा किंति वैराइड करे ओके याको कहिबा कथाला भवन थोरेन को जे ई ग्राफटा एमिति भावरे जीवो ओके एमिति भावरे जीवो माने को ओके मार्केट सोरु डिस्टेंस जदि बढी बढी जीवो लोकेशनल रेट कमी कमी जीवो ओके एटी देखो तु मन कर आमे गोटे पॉइंट नबा एटी ओके एटा मन कर 10 किलोमीटर रो गोटे पॉइंट एठी हम सिम्पली नै जीवा लोकेशनल रेट मन कर 100 200 ओके ये हैला 300 ये हैला 400 ओके हमर अच्छा या कुट के इरेज कर दवा हमर 10 किलोमीटर अज्यूम करू तो 10 किलोमीटर रे से कोन हे छै मन कर 300 से ओके 300 तार लोकेशनल रेट अछि ओके ताले 20 किलोमीटर बोल को सेटा 200 हे जइबो आ एठी आसला बोल को हमर 35 बोल को से ओके 30 किलोमीटर रे से 100 हे जइबो ओके आ एटा 40 नै जइबा 40 किलोमीटर रे से आहुरी 0 हे जइबो आहुरी कमी जइबो ओके एमिति भाबरे कमी कमी जाय एको कहबा कथा हला जे विथ डिस्टेंस लोकेशनल रेट डिक्रीज करे ओके डिक्रीज करे लोकेशनल रेंट आ एथरु जदि कहबा हां आ गुटे कथा लोकेशनल रेंट इज नॉट द सेम एज एक्चुअल रेंट जहा सीधा लोकेशनल रेंट सहित समान न ओके लोकेशनल रेंट इज व्हाट ए फार्मर कैन अफोर्ड टू बिड फॉर ए पार्सल ऑफ लैंड ओके लोकेशनल रेंट होची गुटे फार्मर जति अफोर्ड कर परबो जे ई लैंड रे से गुटे पार्सल ऑफ लैंड रे केते खर्च कर परबो से सीटा होची लोकेशनल रेंट आ जोटा खर्च होबो से होची एक्चुअल रेंट ओके अच्छा जदि हमें कहिबा इन फार्मूला से गोटे फार्मूला भी देतले लोकेशनल रेंट रो ओके से कहिले एल आर इक्वल टू एल आर मींस लोकेशनल रेंट ओके वाई इनटू एम माइनस सी ओके माइनस वाई इनटू टी डी ओके अच्छा एटी वाई टा कोन एठी जदि कहबे y लिखि दिथौ तो एग्जाम पई ओके y इक्वल टू यील्ड ओके यील्ड बा क्वांटिटी प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड गोटे यूनिट ऑफ लैंड रे केते यील्ड होची m m टा होची मार्केट प्राइस ओके मार्केट प्राइस m टा होची मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अब सोडा मु लेखो ना ओके मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तब जदि सी कहबा सी होची प्रोडक्शन कॉस्ट सी ता होची प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ओके पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तब टी होची ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट डिस्टेंस ओके पर यूनिट डिस्टेंस अच्छा डीटा कौन डीटा होचे डिस्टेंस ऑफ द यूनिट ऑफ लैंड फ्रॉम द मार्केट ओके ये होचे डिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ लैंड से लैंड का जो डिस्टेंस रे होची सेटू अ मार्केट रो तार डिस्टेंस टा केते ए कथा को आइ छी ओके से अजम्पशन भी नेतले मने करो गोटे एरिया रो ओके गोटे इमेजिनरी मिल्क प्रोड्यूसर को कथा से नेतले जदि कहबा वाई से केते यील्ड दोची पर एकर रे मने करो 100 लीटर्स ओके मिल्क प्रोडक्शन दोची
ଆଉ ଯଦି କହିବେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ ଅଫ ମିଲ୍କ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା, ଓକେ 10 ଟଙ୍କା ପର ଲିଟର। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ରସ ଓକେ 5 ପର୍ ଲିଟର, ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି, ଓକେ ସିଏ ନେଇ ନଥିଲେ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ ଏଟାକୁ ଆଚ୍ଛା 5। ତାପରେ ହେଲା ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଟି, ଓକେ ଟିଟା ହଉଛି ମନେକର 2 ରୋଜ୍ 2, 2 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ହଉଛି 2 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମାର୍କେଟ ସେଲ୍ଫର ଦେଖିବା, ଯଦି କହିବା ମାର୍କେଟରେ ଓକେ ଓକେ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଲୋକେସନାଲ ରେଟ୍ ଅଫ ମିଲ୍ କୋଡ଼ି। ଯଦି ମାର୍କେଟ ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ କଣ ହେଇପାରିବ, ଆମର କଣ କହିଲା ଇଲ୍ଡ ହେଲା 100 ଲିଟର, ଓକେ ମାର୍କେଟରେ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ହବ, ଓକେ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇବା ୱାଇ ହେଲା କେତେ 100, ଓକେ ୱାଇ ହେଲା 100, ଏମ୍ ହେଲା 10, ତାପରେ ହେଲା ସି ହେଲା କେତେ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା, ଓକେ ତାପରେ କଣ ହବ ମାଇନସ ଆମର ହେଲା 100 ହେଲା ୱାଇ, ତାପରେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଆସିଲା ଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ମାର୍କେଟରେ ମନେକର 2 ଟଙ୍କା, ଓକେ 2 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ମାର୍କେଟ, ଓକେ ଡିଟା ହଉଛି କେତେ, ଡିଟା ହଉଛି ଆମର ଏଟା ଟି, ଓକେ ଟି ଇଏ ହଉଛି ଡିଟା ହଉଛି 0, କଣ ପାଇଁ ନା ମାର୍କେଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ପାଇବା, 10 to 5 ହେଲା 5, 500 ମାଇନସ 0 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା 500, ଓକେ ମାନେ ରସ 500 ହଉଛି ଲୋକେସନାଲ କଷ୍ଟ ଆଟ୍ ମାର୍କେଟ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା, ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଟାକୁ ଯଦି ମନେକର 10 ନେଇଯିବା ଆମେ, ଓକେ ଡିଟାକୁ 10 ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ଆମର 100 × 10 ମାଇନସ 5 ମାଇନସ ଇଏ ହଉଛି 100, ଓକେ ସରି 100 × 2 × ଆମର କେତେ ହେଲା 10, ମନେକର ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଏରାଉଣ୍ଡ ପାଇବା ଇଏ ହଉଛି 500 ମାଇନସ ଇଏ ହଉଛି କେତେ 100, ଇଏ ହଉଛି 2000 ଯଦି ଗଲା ହେଲା ମାଇନସ ଓକେ ମାଇନସ 1500, ଓକେ ରୁପିଜ ମାଇନସ 1500। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସିଏ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ଯଦି ଆଟ୍ ମାର୍କେଟ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଲୋକେସନ ର ରେଟ୍ ଫାର୍ମର କେତେ ପାଉଛି ଆମର ଦେଖିଲେ ଆମେ 500 ରୁପିଜ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ପାଉଛେ 0 ପାଉଛି, ଓକେ ୱିଥ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ ବଢିକି ଯାଉଛି, ମାନେ ଯଦି କହିବା ମାଇନସ ପାଉଛି ସିଏ ଲସ୍ କରୁଛି, ଓକେ ଲସ୍ କରୁଛି। ଯଦି ସିଏ ଲସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ବି ସିଏ କଣ କରିବ ଆଫୋର୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, ଓକେ ବା ଯଦି କହିବା ଆମେ ସିଏ କଲ୍ଟିଭେସନ କରିବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ, ଓକେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯଦି କହିବା ଫର୍ମୁଲା ବା ଲୋକେସନାଲ ରେଣ୍ଟ ର ଫର୍ମୁଲା, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଲେଖିବେ ଏକ୍ସାମରେ, ଓକେ ଏଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ମାଇନସ ସି ମାଇନସ ୱାଇ ଟି, ଓକେ ଆଉ ୱାଇ ହେଲା ଇଲ୍ଡ ପର ୟୁନିଟ ଏରିଆ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏମ୍ ହେଲା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ ପର ୟୁନିଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସି ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ପର ୟୁନିଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ପର ୟୁନିଟ ଅଫ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଡି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଦ ୟୁନିଟ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ ଦ ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅଦର୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଲୋକେସନାଲ ରେଟ୍ ଆମର ବାହାରିଲା ଯେ ୱିଥ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଟା କେମିତି ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି, ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ବି ଆସୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ ଲସ୍ କରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ 2ଟା ମଡେଲ ସିଏ ନେଇଥିଲେ, ଓକେ 2ଟା ମଡେଲକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଆମେ। ଓକେ 2ଟା ମଡେଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଓରି ମଡେଲ ୱାନ, ସେଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଓରି। ଆମେ ମଡେଲ ୱାନ ରେ କଣ କହିଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଡେଲ ୱାନ ରେ, ଓକେ କଣ ଲେଖିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ରପ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ସ ୱିଥ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ମାର୍କେଟ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଯାଏ, ଓକେ ୱିଥ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟରୁ ୱିଥ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ କଣ କରେ ଡିକ୍ରିଜ କରିଯାଏ, ଓକେ ନାଇଁ ସରି
ओके डिक्लाइन करे बा डिक्रीज करे ओके तो इंटेंसिटी कौन कहला द इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सिटी इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीज करे ओके सिटी रु जति की दूर को जीव से डिक्रीज कर जीव अच्छा जदी कहबे फॉर द सेम क्रॉप हैविंग ए सिमिलर मार्केट प्राइस गोटे गोटे प्रोडक्ट रहा हमें जमती हमें मिल्क रो नहीं थे मिल्क रो हमें यूनिवर्सली सेम रेट ही पाउच होते कितने रस 10 पर लीटर 10 टन का पर लीटर हमें पाउच होते ओके जदी सही कथा हो छि तहले कोन होबो द फार्म लोकेटेड क्लोज टू द सिटी विल हैव एन इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन इंटेंसिव कल्टीवेशन than the one located away from it nischit bhabe kon paina intensive cultivation means kon adhiko kharcha kariki cultivation kariba okay intensive cultivation means adhiko kharcha kariba okay इंटेंसिव कल्टीवेशन बा जदी कहिबा हमें अच्छा इंटेंसिव एक्सटेंसिव टिके देखि देबा कोन पेना एथुरु ही एक्चुअली से टर्मिनोलॉजी ते आसी छि इंटेंसिव आ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ओके इंटेंसिव कल्टीवेशन मींस इंटेल गोटे एग्रीकल्चरल सिस्टम ओके एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम हियर देयर इज हाई लेवल ऑफ यूज ऑफ लेबर और कैपिटल ओके लेबर और कैपिटल रो बहुत यूज हवा इन कंपैरिजन विद लैंड एरिया कम लैंड एरिया रे अधिक लोक और अधिक कैपिटल खर्च कर कल्टीवेशन करबा को इंटेंसिव कल्टीवेशन को आ जाए ओके आ जदी कहबे इन कंट्रास्ट एक्सटेंसिव फार्मिंग ओके बाय एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इन व्हिच लार्ज फार्म्स आर बीइंग कल्टीवेटेड विद मॉडरेटली लोअर इनपुट्स ओके कैपिटल एंड लेबर कम लेबर और कम कैपिटल खर्च करके लार्ज एरिया रे कल्टीवेशन करबा को एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को आ जाए ओके अच्छा ए केस रे हमें देखिबा जे हमें अबर देखो दे हमें सिटी पाखरे ओके सिटी पाखरे हमर बहुत कम कल्टीवेशन पाई लोकेशन था किंतु जदि कहबा सेतिरे अधिक लोक आ अधिक पैसा खर्च करके हमर अधिक प्रोडक्शन तयारी करा जाए ओके याकू सेति पाई इंटेंसिव कल्टीवेशन को आ जाए अच्छा जदि कहबे इंटेंसिव कल्टीवेशन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन रे ताकू फॉलो करा जाए आ मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन रे हमर एक्सटेंसिव फार्मिंग करा जाए सिंपली स्मॉल एंड एक्सपेंसिव फार्मिंग मेथड यूज करा जाए ओके आउ एथिरे जदि कहबे लार्ज आउ इन एक्सपेंसिव फार्मिंग मेथड यूज करा जाए एक्सटेंसिव फार्मिंग रे सही बढ़िया जदि इंटेंसिव फार्मिंग लोकेशन कथा कहबे प्राइम लोकेशन लाइक नियर द मार्केट एक्सटेंसिव फार्मिंग हला रिमोटली लोकेटेड ओके अच्छा पर हेक्टर आउटपुट इज लार्ज इन केस ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग आउ इन केस ऑफ एक्सटेंसिव फार्मिंग पर हेक्टर आउटपुट इज स्मॉल ओके तो ये हला बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग तो हमें जदि कहबा मार्केट एरिया पकरे ओके जदि कहबे जदि सेम क्रॉप रो प्राइम मार्केट प्राइस रहूची ताहले फार्म पक सॉरी सिटी पकरे बा हमें द फार्म लोकेटेड क्लोज टू द सिटी विल हैव एन इंटेंसिव कल्टीवेशन ओके देन वन लोकेटेड अवे फ्रॉम इट कोन पई इति पई जे द लोकेशन रेट ऑन द क्रॉप ऑफ द फार्म नियर द सिटी विल बी हायर देन द क्रॉप ऑन द फार्म अवे निश्चित भाव लोकेशन रेट अधिक हम सिटी पाखे कौन पाई ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी जाए ओके okay, लोकेशन रेट हमको अधिक मिल जो कि हमें मार्केट पाखे इंटेंसिव कल्टीवेशन करते ओके द मार्केट प्राइस बीइंग द सेम एंड द प्राइस ऑब्टेन्ड एट द मार्केट बीइंग द सेम ओके जदि कहिबा मार्केट प्राइस सेम रहिबो ओके आउ जदि माने एवरीथिंग जदि समान रहइबो ताहेले आपनकर लोकेशनल रेट टा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टा ही डिफाइन करे ओके द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी लेस फॉर प्रोड्यूस ऑफ द फार्म नियर द सिटी आउ जोगुडा डिस्टेंस से हम बारंबार तक कहि सले ओके तो हेंस ए हायर लोकेशनल रेट सेति पनि हमको सिटी पाखरे जोटा हुए सेतिरे हमर जदि कहबा अधिक लोकेशनल रेट टा मिले the intensity of production can be increased with application of inputs निश्चित भाबरे आमे जदि बा कम थिबो आमे इनपुट अधिका करिकि माने मींस फर्टिलाइजर सीड इरिगेशन लेबर उडा करिकि आमे कोन करि परबा अधिक प्रोडक्शन भी करि परबा ओके एंड इंक्रीज इंटेंसिटी वुड लीड टू अ हायर यील्ड एंड हायर यील्ड
हायर विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निश्चित भाव अच्छा इन केस आम दिटा लोकेशन को ना ओके गोटे गोटे अच्छे सिटी पाखे ओके ये हूँ मार्केट ये पाखे गोटे अच्छी लोकेशन ए ये अच्छे लोकेशन बी ये हूँ 10 किलोमीटर डिस्टेंस रे ये 0 किलोमीटर डिस्टेंस रे ओके अच्छा आम कौन करवा जदि आम सेम रे जदि आम कौन करवा इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन टाक बढ़ेगा माने जो इनपुट गुडा देवा सब गुडा बढ़ेगा मींस फर्टिलाइजर सीड इरिगेशन एगुडा सब जदि बढ़ेगा ओके एठी भी माने कर अपन कर 10 क्विंटल सला ओके एठी भी 10 क्विंटल सला अधिक इनपुट देले ताहले कोन हो एठी देखो तो एठी 10 क्विंटल पर क्विंटल जदि हमर 2 टका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होची एठी केते हो एठी हमर 20 टका हो ओके एठी भी सेमिति एठी एठी किंतु आमो कोन हे छे एठी एठी से 2 टका होची एठी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ता बड ई 2 टका ता आमर माने कर 5 टका हे गला ओके ताहले 10 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट केते हे जबो 50 टका हे जबो किंतु मार्केट प्राइस आमर सेम रहू छे ओके एठी एठी प्रोडक्शन सेम रहिला एठी भी प्रोडक्शन सेम रहिला 10 टका एठी मन कर 10 क्विंटल एठी भी 10 क्विंटल रहिला सेम रहिला किंतु ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टा 50 टका हेला अथच एठी हमर मार्केट प्राइस सेम रहू छे ताहले ये लॉस करिवो ओके ई कथा टा हि सेथरे कोआ हे छि तो लोकेशन एंड रेंट टा केस रे ई कथा टा कोआ छि फर्स्ट इंटेंसिटी थ्योरी रे से इंटेंसिटी माने इंटेंसिव कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को से एग्जांपल भाबरे ले छथे और मैप टा को जदि आपन कहबा एमिति भाबरे होबो ओके सॉरी ग्राफ टा इंटेंसिव कल्टीवेशन केस रे और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन केस रे कोन होय अच्छा आ गोटे काम करवा आज तो टाइम हो गला ओके अपन जति की पर्यंत डिस्कशन हो छि थ्योरीटा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी अपन मॉडल गुडा पूर्व जति की अछि सब को कंप्लीट रिवाइज कर दियो तो ओके सब को कंप्लीट रिवाइज कर दियो तो वे तो दिने दि दिन एक प्रकार सिचुएशन हो पारे ओके दिने दि दिन ए सिचुएशन ता हो पारे तो आमे काली रेस्ट ऑफ डिस्कशन करबा आइदर ए थ्योरीटा को कंप्लीट करबा आमे नेक्स्ट डे रे ताको कंप्लीट करबा ओके इंटेंसिटी थ्योरी कोन कहिला तापरे आमे देखबा हमर जो सेकंड हला क्रॉप थ्योरी ओके एटा को आमे सार दवा तापरे गोटे छोट छोट भरिबा काली जमिति कि हम दीटा काली कंप्लीट हे जेबो ओके आज टाइम इंग्लैंड 17 देरी से गलानी तो सॉरी आज इट रखिबा ए थ्योरी टा को आपण माने जति कि हला ताकु देखि दियो तो बेटर होबो जदि निजे कंप्लीट करि परबे ताले बेटर होबो नहले मु तो काली एमिति आपण एक्सप्लेन करबे ओके तो आज पई एति कि Bye.